बिल्डिंग बहुत अच्छी है और करीब करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके, अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, बर्ड बॉय नहीं है। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे, पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा पत्र, लेकिन आज तक न तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई पार्ट बॉय की भी नहीं हुई है। पूरा का पूरा हमने जब निरीक्षण किया एक दिन, और वहीं पर तहसील है, ठीक सामने तहसील भी है और वहीं पर ब्लॉक भी है, और हमारे प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को और सीएमओ को भी कई बार चिट्ठियां भी लिखी, माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा, मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आत्मज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो। माननीय मंत्री जी वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं, अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है, चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी। और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ क्या गाला, अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही, विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं, और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं, वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े, लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है, रिश्तेदारी मानने मंत्री जी को पता है, पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको पता है, कांग्रेस में थे पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए, चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए, आज डिप्टी सीएम भी हो गए, लेकिन कल आपने जब हमारे मान लिया हम लोग तो